नमस्कार, मैं हूं सुकृति सलाथी और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आया ट्रक, खाई में गिरा, 4 लोगों की मौत। सनातन के अपमान पर सोनिया खामोश क्यों? बीजेपी ने पूछा, क्या हिंदू धर्म के खात्मे के लिए INDIA का गठन? पूर्व सीएम कविंद्र के बयान पर युवा राजपूत सभा में रोष। पाजू का होगा राज या कहर बनकर टूटेगा गेंदबाज? आंकड़ों के जरिए समझे पिच का हाल। रक्षा मंत्री ने कहा, 900 दिनों में BRO ने 300 परियोजनाएं देश को की समर्पित। आइए खबरों को सुनते हैं अब विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के साथ लगते सांबा जिले में सीमा सड़क संगठन द्वारा 90 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 900 दिनों में BRO ने करीब 300 परियोजनाओं देश को समर्पित किए हैं। इसके लिए BRO की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें सड़क, पुल, रनवे, हेलीपैड और सुरंग की निर्माण शामिल है। सनातन धर्म के मुद्दे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने DMK के जरिए विपक्षी गठबंधन INDIA को घेरा है। उन्होंने कहा कि DMK के शिक्षा मंत्री पोन मुंडी की टिप्पणी सामने आई है। अंग्रेजी में कहावत है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। भारत गठबंधन का गठन सनातन धर्म का विरोध करने और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है। ये भूस्खलन की चपेट में आने के बाद एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मंगलवार तड़के ये हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे रामबन जिले में शेरे बीबी के पास राजमार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट की महिला वकील रेनू सिन्हा हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह बात सामने आई है कि आरोपित पति 15 घंटे से भी ज्यादा समय तक अपने ही घर के स्टोर रूम में छिपा रहा, लेकिन पुलिस जांच के दौरान उसे नहीं ढूंढ पाई। यही नहीं, उसे तलाशने को पुलिस ने एक टीम नेपाल में भी भेज दी। जम्मू के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के बयान पर युवा राजपूत सभा में रोष है। सभा के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने सोमवार को कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के कार्यकर्ताओं पर पैसे के लिए टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है, जो गलत है और बर्दाश्त से बाहर है। चेतावनी दी कि अगर ये बात पूर्व CM सच साबित ना कर पाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। एशिया कप 2023 की सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया का भिड़ंत श्रीलंका के साथ होनी है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो के R प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। कोलंबो के इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाले ने ज्यादा मैचों में जीत का स्वाद चखा है। पिच में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, वहीं बल्लेबाजों की भी मोच रहती है। जम्मू में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जम्मू हाईवे अड्डे के विस्तार की योजना चल रही है। बेलीचारना में 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई इमारत का निर्माण होना है। मौजूदा हाईवे अड्डा 1400-1500 वर्ग मीटर में है। ये पशुपालन विभाग की हैचरी और कार्यालय की जमीन विस्तार में अडंगा बनी है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि खाली कराने का काम चल रहा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।